खिद्यान सपनों की उड़ान। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं आपको सौर मंडल के बारे में कुछ रोचक तथ्य बताऊंगा। बच्चों, जब आप सुबह में सोकर उठते हैं तो पूरब दिशा में सूर्य निकल रहा होता है, और जब शाम होती है तो सूर्य पश्चिम दिशा में डूब रहा होता है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जबकि सच तो यह है कि न केवल पृथ्वी बल्कि सौर मंडल के अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सौर मंडल में पृथ्वी के अलावा 7 और ग्रह हैं। यानी अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर मंडल के कुल ग्रहों की संख्या 8 है। इन ग्रहों के नाम हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये ग्रह एक निश्चित पथ में सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जिसे कक्षा के रूप में जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर और सबसे छोटा ग्रह बुध या मर्क्यूरी है। बच्चों, पहले सौर मंडल में ग्रहों की संख्या 9 थी। हालांकि नवा ग्रह यानी प्लूटो ग्रहों के लिए निर्धारित नवीनतम मानकों को पूरा नहीं करता है। यह आकार में बहुत छोटा था, इसलिए इसे अब बौना ग्रह कहा जाता है। ऐसे में हमारे सौर मंडल में बौने ग्रहों की संख्या 4 से बढ़कर अब 5 हो गई है। मर्क्यूरी, वीनस, सैटर्न, जुपिटर और मार्स, इन 5 ग्रहों को खुली आंखों से देखा जा सकता है। शुक्र या वीनस सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह है। बच्चों, हमारे सौर मंडल में सूर्य और 8 ग्रहों के अलावा कई उपग्रह, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड और धूमकेतु भी शामिल हैं। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं। प्यारे बच्चों, हमारे सौर मंडल के कई ग्रहों में चंद्रमा नामक प्राकृतिक उपग्रह हैं। पृथ्वी का एक चंद्रमा है, मार्स यानी मंगल के 2 हैं, नेपच्यून के 14 चंद्रमा हैं, यूरेनस के 27 चंद्रमा हैं, और यहां तक कि बौने ग्रह प्लूटो में 5 चंद्रमा हैं। दूसरी ओर बुध और शुक्र के पास कोई चंद्रमा नहीं है। प्यारे बच्चों, हमारा ब्रह्मांड असंख्य रहस्यों से भरा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे सौर मंडल से जुड़ी ये जानकारियां काफी पसंद आई होंगी। आप सुनते रहिए किड्यान सपनों की उड़ान।